बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हजरत जी, मैं मैसूर इंडिया से आपका मुरीद, आपका गुलाम, आपका शेख इमरान खान मुनीरी बात कर रहा हूँ। हजरत हजरत जी, जैसा कि हदीस पाक में मौजूद है कि आलम अरवाह में रूहों ने जितनी मरतबा लब्बैक कहा, अल्लाह ताला उतनी ही मरतबा उनको दुनिया में हज करने की तौफीक अता फरमाएगा। हजरत जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग बड़े दीनदार होते हैं और ईमानदार भी होते हैं और उन्हें हज की तौफीक नहीं होती। वो इसी आस में रहते हैं कि हमें हज की तौफीक होगी, मगर पूरी जिंदगी आस ही में जिंदगी गुजार देते हैं, फिर उन्हें मौत आ जाती है। तो हजरत जी, क्या उनकी अरवाह ने आलम अरवाह में लब्बैक नहीं कहा? क्या उनके लिए भी कोई फजीलत है जो पूरी आस में जिंदगी गुजार के बगैर हज की दुनिया से चले जाते हैं? इस पर थोड़ी वजाहत फरमा दें हजरत जी। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान खान मुरीरी इंडिया मैसूर से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आलम अरवाह में जितनी मरतबा जिस रूह ने लब्बैक कहा है, उतनी मरतबा जो अल्लाह तबारक व ताला ने तकवीनी तौर पर उनके लिए हज को मुतय्यन कर दिया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही है कि लब्बैक जो आलम अरवाह के अंदर जो है, वो जिन्होंने कहा है, वो जितनी मरतबा कहा है उतनी मरतबा उनके लिए हज की कबूलियत है। और ये अल्लाह तबारक व ताला के तकवीनी उमूर हैं, या तकवीनी उमूर के तहत ये फैसले किए गए हैं। अगर किसी ने 10 मरतबा लब्बैक 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 कहा है तो 10 मरतबा हज की तौफीक हो जाएगी, किसी ने 2 मरतबा कहा है 2 मरतबा तौफीक हो जाएगी, और अगर किसी ने 1 मरतबा भी नहीं कहा जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो लिहाजा वो हज के लिए जो है वो हाजिर नहीं हो सकते। तो मतलब ये तकवीनी उम्र में, इसमें इंसान के अपने इख्तियार का कोई दखल नहीं है। या तकवीनी उमूर के तहत जो फैसले कर दिए गए हैं, लिहाजा वो फैसले जो उसी तरीके पर होते हैं, लेकिन उनकी अपनी फजीलत और नजात का मदार तो उनके ईमान और अमले साले पर है। ईमान और अमले साले उनका कामिल और मुकम्मल है तो बस वो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ उनकी नजात है और अल्लाह तबारक व ताला के उनके दर्जात हैं। बल्कि इस तड़प पर, इस फुरकत पर कि जो हज पर तशरीफ़ नहीं ले जा सके, और इसी तरह तड़प तड़प के वो अल्लाह के घर पहुंच गए, अल्लाह के यहाँ पहुंच गए, दुनिया से चले गए, तो उस तड़प पर अल्लाह तबारक व ताला पता नहीं उनको इतना कुछ अता कर दें जो हज करने पर उनको ना मिल पाए। इसलिए कि बात तो इश्को मोहब्बत की है कि वो कहते हैं कि मर के किसी के जुल्फ पे मालूम हो तुझे कि फुरकत की रात कटती है किस पे चौताब में। तो गोया कि जब जो एक ख़ास मोहब्बत अल्लाह से पैदा हो गई, अब उसके घर का दीदार और हरमैन शरीफ की ज़ियारत नहीं हो पा रही, और अब वो तड़प तड़प के जो है वो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ पहुँच गया है, तो इस तड़प पर अल्लाह पता नहीं क्या नवाज दे। जैसे अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला नु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद हैं, सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रसूल के दीदार के लिए बेकरार, उनकी रिफाकत सोबत के लिए बेचैन होता है, लेकिन वो भी बेचैन हो रहे हैं, लेकिन अहवाल ऐसे अवारिज ऐसे हैं कि वो हाजिर नहीं हो पाए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनका इस तड़प और जुदाई पर इतना ऊंचा मुकाम बना दिया कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जैसे सहाबी से कहा कि अवैस करनी मिल जाए तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। चाचे हदीस में आता है कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने हज के मौके पर जो तलाश करते फिर रहे हैं कि यमन से जो कबीला कर्न के कुछ लोग आए हैं, और जब वो मिले तो उनसे दुआ की दरख्वास्त की। अब देखिए, एक वो जो शब रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में है, एक जो वो जुदाई में है और आ नहीं सका इस अपनी माँ की खिदमत की वजह से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मस्ती और का आलम यह है कि उसकी कोई नज़ीर नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के उसका मुकाम सुभान अल्लाह के सहाबा जो है उनसे दुआ करवा रहे हैं। तो इसलिए जो है ऐसा होता है, बस औकात तकवीनी उमूर के तहत फैसले हो जाते हैं कि उसने लब्बैक नहीं कहा, लिहाजा उस तकवीन के तहत जो उसके लिए फैसला हज का नहीं हुआ, लेकिन उसकी दीनदारी, अल्लाह से ताल्लुक़ और उस तड़प की वजह से उसका मुकाम अल्लाह के ऐसा है कि बड़े बड़े हाजी उस मुकाम को ना पहुँच सकें। ये तो जो वो पर्दा नामा अमाल के अंदर चीज़ें हैं, पर्दा खिफा में रहती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको ऊँचे मुकाम अता कर देते हैं। इसलिए जो है वो किसी मकामी आली से खाली नहीं होते, और मैंने जैसे बताया ईमान और अमले साले पर निजात का मदार है, वो इंशाल्लाह उनको नसीब हो जाता है।